afternoon. Hello. Critical reasoning quiz में आप सबका स्वागत है दोस्तों. I hope all of you are well and all of you are living a great life. Hello, 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 hello. Hello guys. Can you see me? Yes. Good afternoon. Logical reasoning quiz after a long, long time. All right, logical reasoning quiz में आपका सबका स्वागत है दोस्तों. मेरा नाम कृति भनागर है. मैंने अपना BLL भोपाल से कर रखा है. मेरी ऑल रैंक थी 39 थी जब मैंने क्लैट दिया था. फिर मैंने क्लैट पीजी भी दे दिया, उसमें रैंक आई 425. मैंने जेएनयू गुजरात में एडमिशन ले लिया. मैंने वहाँ से अपना एलएम कर लिया. मैं एक प्लस वन फाइव एजुकेटर हूँ और मैंने एजुकेशन एंड भी क्लियर कर रखा है. क्लैट के प्राइसेस राइज होने वाले हैं, तो अगर आप में से कोई भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का साझा सकता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, विच इज कृति भी. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड फ्रॉम मी ऑटो में कि आपने मेरा कोड यूज किया. सो थैंक यू सो मच गाइज. क्लैट के प्राइसेस राइज होने वाले हैं, उससे पहले अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. क्लैट 2023-2024 ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें रैंक 1 to 10 को मिल सकता है 100% तक स्कॉलरशिप. तो अगर आप से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और या फिर अनअकैडमी का ये ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहता है तो August 27 को 3 PM पे होने वाला है. इसमें एनरोल करने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हो QR कोड को और आप एनरोल हो जाओगे. हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. अगर आप क्लैट के ई-नोट्स चाहते हैं दोस्तों तो आप सैम्पल कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके. आपको कुछ नहीं करना है, अपने फोन से इसको स्कैन करना है और फिर एक लिंक आएगी, उस लिंक पर क्लिक करना है और क्लैट के ई-नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे. सो अच्छे नोट्स हैं, आपको अगर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं. अन अकेडमी लर्नर्स जो टॉप एनलीज में पढ़ रहे हैं उसके नाम दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं और भगवान करे आपका नाम भी यहाँ जरूर से आए. हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप सब? प्लस का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है अन अकेडमी पे और आइकॉनिक का भी है. अरे यशी, ये भी सही बात है. तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं. तो आपको प्लस में मिल जाती है क्लासेस, जितने भी कोर्सेज अन अकेडमी ऐप पे वो सारे सारे आप एक्सेस कर सकते हो. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. इसके साथ साथ आइकॉनिक में आपको एक मेंटर भी मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं. लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं जो कि प्लस में नहीं मिलते. फिजिकल नोट्स आपके घर पे आएंगे और आप उन बुक से पढ़ सकते हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं. सो अगर आप लेना चाहे प्लस या आइकॉनिक तो आप ले सकते हैं और 10% डिस्काउंट के लिए कृति भी कोड यूज कर सकते हैं. आइकॉनिक असिस्टेंट 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स का अवेलेबल है. अगर आपको मेरे पर आना साल सकता है तो मेरे कोड यूज कर सकते हो, विच इज कृति भी. और अगर आप में से कोई भी प्लस का असिस्टेंट लेना चाहते हैं तो प्लस का भी ले सकते हैं. 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स का अवेलेबल है. अगर आपको मेरे पढ़ाने का साल सकता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, विच इज कृति भी. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू मीन लॉट टू मी कि आपने मेरा कोड यूज किया. हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. लॉस्ट आप बिजनेस वाचक क्लैट एलसीएट 2023 के लिए 25 अगस्त शुरू हो रहा है. अगर आप में से कोई भी इसमें एनरोल करना चाहता है, इसमें अपने आपको एनरोल कर सकते हैं. सक्सेस एनएलयू बिगनर्स बैच है क्लैट 2024 ओएलईटीज के लिए August 25 को शुरू हो रहा है. अगर आप से कोई भी इसमें एनरोल करना चाहता है तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. डाउट सॉल्विंग वीक में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर जाएंगे स्पेशल क्लास सीरीज में. तो अगर आप स्पेशल क्लास सीरीज एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. अन अकेडमी लीगल अदालत August 27 को 1 बजे क्लास होने वाली है. अगर आप ये अटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं. अन अकेडमी ऐप पे फ्री क्लास होगी. अन अकेडमी क्लैट को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून. स्पेशल क्लास के इन्यूमरेट फीचर्स हैं, फ्री क्लासेस होती है अन अकेडमी ऐप पे, तो ये आप अटेंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं. आज 5 बजे है हमारी लीगल रीजनिंग क्विज लॉ ऑफ टॉट्स पे, तो आप आके जरूर अटेंड करिएगा. 5 बजे की क्विज को फ्री क्लास है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको बस अन अकेडमी लॉ का जो वो चैट बॉक्स में लिंक आ रहा है उस लिंक पर क्लिक करिए और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद आपको क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स लर्न के लिए रेज हैंड कर सकते हो, नोट्स क्लास एक्सक्यू नोट्स बनाएंगे और कहीं से कहीं पर भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो. चलिए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की क्विज को. हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. नो यशी, बट द टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आप देते हो उसमें आप कॉन्स्टेंट क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो. बहुत बारिश हो रही है मुस्कान, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रुक ही नहीं रही. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. हेलो वैष्णवी, हाउ आर यू?
मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। मिश्रा विवेक, मैं DU LLB का प्रिपरेशन अलग होता है, मैं 5 ईयर वाला करवाती हूँ। ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे? नहीं पूरे दिख रहे हैं बेटा। अच्छा मेरी वजह से नहीं दिख रहे, सॉरी 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 सॉरी, आई अपोलोजाइज। पहला क्वेश्चन है वैष्णवी, ओके, अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड आंसरिंग, काफी लोग। हाय कल्याणी, काफी लोग डिवाइडेड हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, बी भी किसी ने बोल दिया, क्रेजी क्रेजी। सो इसका आंसर है ए गाइस, सॉरी, उप्स, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। सो यहाँ पे ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सेवा डॉट कॉर्पोरेशन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सेफ्टी सीट्स फॉर बाइसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। सेवा डॉट कॉर्पोरेशन जो है क्या करती है, सेफ्टी सीट बनाती है बाइसाइकिल्स और ऑटोमोबाइल्स की। चिल्ड्रन ऑफन डाई अननेसेसरली इन कोलिजन्स बिकॉज दे वर नॉट प्रॉपरली फास्टेंड इन टू सीट्स। जो बच्चे होते हैं वो यूजली क्यों मर जाते हैं, वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए होते, ठीक है। और उनकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत हल्की होती है, तो उनको जल्दी फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। सेवा टॉट इज रिसेंटली डिजाइंड अ न्यू टाइप ऑफ सेफ्टी सीट, एक नई सीट डिजाइन करी है इन लोगों ने, जो कि आपके क्या कहते हैं बॉडी को कर्व्स जो हैं आपके उसके हिसाब से रहेगी, स्पाइंस वगैरह को कवर करेगी, नेक्स को कवर करेगी स्मॉल चिल्ड्रन के, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका हेड भी कुशन रहेगा। तो ये कह रहा है कि 60% तक कम हो जाएंगे, सॉरी 60% तक मरने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके इन क्या बोलते हैं इन सीट्स की वजह से। तो यहां पे मुझे बताना है कि इस सेवा टॉट के क्लेम का स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज क्या है। चैलेंज का मतलब होता है कि क्यों ये काम नहीं करेगा, समझे, व्हाई विल दिस पर्टिकुलर आइडिया जो है, दिस आइडिया विल हैव एन इशू, व्हाट इज द इशू विद दिस आइडिया। ए, द चाइल्ड सेफ्टी सीट्स दैट सेवा डॉट हैड डिजाइंड आर मेड ऑफ अ लाइटर प्लास्टिक कंपाउंड दैट टर्न्स ब्रिटल ड्यूरिंग अ कोलिजन। ये क्या बोल रहा था भाई इन दिस पर्टिकुलर केस, वैसे जो ये बोल रहा है कि ये जो ये सीट बना रहे हैं, इस सीट से नेक स्पाइन और हेड कवर रहेगा, लेकिन नेक स्पाइन और हेड जिस चीज से कवर हो रहा है वो तो ब्रिटल है, ब्रिटल माने कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी टूटने वाला है, तो अगर वो टूट जाएगा तो आपकी नेक स्पाइन और हेड तो कवर हो ही नहीं पाएगी ना, तो आपको चोट लग जाएगी, फिर आप मर भी जाओगे। सो यहाँ पे देयरफॉर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बी, द गवर्नमेंट डिमांड्स दैट दीज सीट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन। बेटा गवर्नमेंट की क्या बात आ गई, गवर्नमेंट कहां से आ गया पैसेज में, गवर्नमेंट वॉज नॉट रिलेटेड टू द पैसेज, ठीक है। सी, बाय प्रोवाइडिंग अ सीट्स सेवर डॉट सीट फ्री विद न्यू कार्स। बेटा ऑटोमोबाइल सेल्स के बारे में बात थोड़ी है, तो चिल्ड्रन की लाइफ के ऊपर पैसेज है, द पैसेज इज ऑन चिल्ड्रंस लाइफ बीइंग सेव्ड, ये है उनका क्लेम ना, क्लेम इज चिल्ड्रन की लाइफ सेव होनी चाहिए। तो सी, बी और सी तो एब्सोल्युटली आउट है, आउट राइटली आउट है। तुम्हें चैलेंज करना है सेवा टॉट के क्लेम को, उनका क्लेम क्या है, उनका क्लेम ये है कि बच्चों की जिंदगी बचेगी, तो सी तो बच्चों की जिंदगी से बात ही नहीं कर रहा। डी, द प्रपोज चाइल्ड सेफ्टी सीट्स विल एड टू मच वेट टू बाइसाइकिल्स बट इट विल स्टिल सेव चिल्ड्रन। अगर वेट हो जाएगा तो बच्चे तो बचे रहेंगे ना, क्योंकि अगर वो गिर जाएंगे तो उनको वो चीज बचाए रखेगी। पर ए क्या बोल रहा है बेटा, ए ये बोल रहा है कि वो जो चीज है जिससे उन्होंने सेफ्टी गियर बनाया है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर तुम गिरोगे तो प्लास्टिक टूट जाएगा और तुम्हारा सर फूट जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो पैसेज को वीकन कर रहा है ना, क्लेम को वीकन कर रहा है भाई,
अंडरस्टैंड गाइज, अंडरस्टैंड वॉट इज, ऑलवेज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कुछ भी आंसर मत लगाया करो. क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लेम क्या कर रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ ये सेवा टॉट क्या क्लेम कर रहा है कि लाइव्स सेव हो जाएंगी. ठीक है, बच्चों की लाइफ सेव हो जाएंगी. और कैसे हो जाएंगी, कि उन्होंने एक नया सेफ्टी गेयर बनाया है जिसमें हेड, नेक और स्पाइन को कवर कर रहा है वो सेफ्टी नेक, जिसकी वजह से आपका हेड, नेक और स्पाइन टूटेगा नहीं. ये क्लेम है ना, क्या क्लेम है उनका, यही क्लेम है ना कि सेफ्टी रहेगी नेक, हेड और स्पाइन पे, जिसकी वजह से नेक, हेड और स्पाइन नहीं टूटेगा. तो इसको कैसे वीकन करोगे, ये बता के कि वो पर्टिकुलर चीज इतनी ज्यादा ब्रिटल है कि आपका हेड, नेक, स्पाइन टूट जाएगा, बचेगा ही नहीं, है ना. तो ए वीकन कर रहा है ना इनके क्लेम को, तो ए इज करेक्ट. समझ रहे हो, समझे अचीवर्स, वीकन करना है, यही तो वीकनर है बेटा, यही चीज तो वीकन कर रही है कि सीट जिस चीज से बनी है उसकी वजह से बच ही नहीं पाएंगे वो लोग. अब समझा, ठीक है, अभी क्लियर है गाइस. देखो ऐसा नहीं होता, वीकनर और स्ट्रेंथनर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें एडिशनल नॉलेज होती है. इट्स नॉट गिवन इन द पैसेज बट इट हैज टू बी रिलेटेड टू द पैसेज. बी और सी अनरिलेटेड है बिल्कुल, लेकिन ए रिलेटेड है क्योंकि ये बता रहा है कि सीट का मटेरियल क्या है. समझे, तो ऑलवेज फाइंड आंसर्स जो क्वेश्चन पूछ रहा है. आपको अपना आंसर नहीं देना, आपको उस चीज का आंसर देना है जो सवाल पूछ रहा है. सवाल पूछ रहा है कि क्लेम को वीकन करो, तो पहले तो फाइंड आउट द क्लेम इन द पैसेज. वंस यू फाइंड आउट द क्लेम इन द पैसेज देन फाइंड आउट व्हाट विल वीकन इट. अभी समझ आया, तो इसलिए आप खुद से कोशिश किया करो क्वेश्चन को समझने की, फिर आंसर सही आएगा. करेक्ट वैष्णवी, हाँ जी मुस्कान, करेक्ट. और साइड हूं क्या मैं, नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक. मुस्कान, आयशा हाउ आर यू, हाँ बना सकते हो वैष्णवी, पर नेक्स्ट वीक से अपन एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे लॉजिकल रीजनिंग का, तो अगर आप वो अटेंड करना चाहो वो कर लेना. क्या बात है भाई, अचानक से आप लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए कि कुछ कहने की हद नहीं. ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया ये, क्या बात है, क्या बात है. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब गाइस, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा. सो यहाँ पे क्या होता है, पार्लैंड में जो एलिगेटर की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, कम हो गई है, क्योंकि उन्हें बहुत हंट किया जा रहा है. और पार्लैंडर जो ये जो एलिगेटर्स हैं ये एक प्रकार की फिश खाते हैं
तो इन लोगों ने सोचा था कि ये फिश बढ़ जाएगी, फिश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि एलिगेटर की कम हो गई, एलिगेटर ये फिश खा रहा था तो एलिगेटर कम हो गया तो फिश बढ़ने चाहिए, पर फिश नहीं बढ़ी। आपको बताना ऐसा क्यों हुआ होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल कि फिश की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी एलिगेटर के कम होने के बावजूद, क्योंकि एलिगेटर तो खा रहा था फिश को। तो सी एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को कि इनके बीच में एक और फिश थी जिनको एलिगेटर खाता था, तो वो अब एलिगेटर ही नहीं है, तो वो फिश बढ़ गई और वो फिश इन फिश को खाना शुरू कर दी। तो दिस इज एक्सप्लेनिंग पैसेज, पैसेज इस चीज से एक्सप्लेन कर पा रहा है क्योंकि क्योंकि पैसेज में यही दिया गया था कि एलिगेटर कम हो गए तो फिश क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि बीच में एक और फिश थी जिनको एलिगेटर खाते थे, अब वो बढ़ गई तो वो उन फिश को खा रहे हैं। क्या बात है, मतलब रियली आई एम इम्प्रेस्ड गाइस, वेरी गुड, एक बार में समझ जाते हो यार आप लोग, काफी सही बात है ये। मैं कहां से करा दूं भाई भावना, प्रांजल we'll have to wait. Sai Krishna, that will only come by reading more and more. That's the only way to increase your speed. So make sure आप 80-90 minutes a day reading करते ही हो, time bound reading करते हो, तो वो increase हो जाएगा बेटा। ट्वेल्थ में के साथ ही क्लैट, गुनगुन आप पहले तो डिसाइड करो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका ट्वेल्थ प्रायोरिटी है या क्लैट प्रायोरिटी है, कॉलेज प्रायोरिटी है या ट्वेल्थ का रिजल्ट प्रायोरिटी है, फिर उसके हिसाब से आप पढ़ो कि किसको आपको ज़्यादा देनी है इम्पोर्टेंस। भाई ये आप अचानक से इतना दिमाग कहाँ से ले आए हो, क्या हो गया ये आपके साथ। हाय विष्टि अंगूर, हाउ आर यू भाई, क्रेजी, मतलब क्रेजी ही चल रहा है सब कुछ। डी इज एब्सोल्युटली 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 करेक्ट गाइस, बिल्कुल सी जवाब है। इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड, EFCO कीबोर्ड लेके आया जा रहा है जिससे आप फास्टर टाइपिंग कर सकते हो, तो इसलिए सारे कीबोर्ड्स को EFCO कीबोर्ड से रिप्लेस कर देंगे तो टाइम कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो मुझे इसे वीकेंड करना है कि नहीं भाई मत रिप्लेस करो, मेरे को ये डिसएडवांटेज बताना है इसको रिप्लेस करने का, आई नीड टू टेल इन डिसएडवांटेज इसको रिप्लेस करने का। एडवांटेज पैसेज में दिया गया है, डिसएडवांटेज मेरे को बताना है, तो डी डिसएडवांटेज बता रहा है कि अगर एम्प्लॉई को स्टैंडर्ड कीबोर्ड की ही आदत है तो उनको ट्रेन करने में बहुत पैसा लगेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो हुआ ही नहीं ना, इसने बोला कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट कम लगेगी, पर डी ऑप्शन बोल रहा है नहीं कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उनको ट्रेन भी तो करना पड़ेगा, तो डी वीकेंड कर रहा है। क्या बात है, अच्छा फिर ठीक है, यही तुम लोगों के रीजन है बेटा, सारे क्वेश्चन कर चुकी हो इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पीपल रिपोर्ट ग्रेटर डिफिकल्टी इन द ट्रांजिशन देयर इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द, पर ये तो उल्टा बोल रहा है ना, EFCO से स्टैंडर्ड पे आने में डिफिकल्टी ज्यादा है, स्टैंडर्ड से EFCO जाने में डिफिकल्टी नहीं है, तो ये तो उल्टा बोल रहा है बेटा, ये तो और पैसेज को स्ट्रेंथन कर रहा है, सो ये नहीं हो सकता है ना। चलो डी इज करेक्ट, ए ऑप्शन उल्टा बोल रहा है, वेरी गुड मैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ऐसे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी गाइस, लेट मी डू माई जॉब, नहीं पर अच्छी बात है, वेरी गुड, आई होप आप सबका क्लैट निकल जाए और आप सब लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें अचीव करो। नहीं अभी नहीं किया विशिका, आई स्टार्ट दिस वीक, आई स्टार्ट इट, नहीं मतलब मंडे के बाद, मतलब 3-4 दिन में आई स्टार्ट इट, I shall start.
गुनगुन ये तो फ्री क्लासेस है, इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, पूरा सिलेबस प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे कंप्लीट होता है, तो इट इज़ अप टू यू कि आपको कहाँ से कवर करना है। फ्री क्लासेस में पूरा नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा फिर खुद ही देखना पड़ेगा। ओके ए और डी, देयर एवरीवन सेइंग ए। इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड मोस्ट वीक इन द क्रिटिसिज्म मेड अबव द, लेट्स सी। ओके क्रेजी गाइस, क्या कर रहे हैं मतलब अपन, क्या कर रहे हैं इतना सही सही कैसे कर रहे हैं अपन। इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड हाउ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सोसाइटीज वर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो पहले की सोसाइटीज हुआ करती थी वो कैसे ऑर्गेनाइज होती थी और कैसे इंटरेक्ट करती थी, इसको इसको समझने के लिए साइंटिस्ट मॉडर्न सोसाइटीज को समझ रहे हैं। ठीक है, वियतनाम वॉर में ट्रूप्स कैसे रहते थे, 70s में हिपी कम्युनिटीज कैसे रहती थी, रिलीजियस ब्रदरहुड्स वगैरह। फ्लो पॉइंटेड इन दिस अप्रोच इज दैट दो स्टे आर स्टिल टॉकिंग ऑफ ह्यूमंस, इवोल्यूशन हैज मेड कंपैरिजंस रादर मीनिंगलेस। लेकिन इसके फ्लॉ क्या है, इसका फ्लॉ ये है कि भाई हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं लेकिन इवोल्यूशन अब हो गया है तो अब हम पुराने को इससे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब हम प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सोसाइटीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं मॉडर्न सोसाइटीज से, क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं, इवोल्यूशनरी हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ को वीकेंड करना है कि ये गलत फ्लॉ आपने निकाला है, ये फ्लॉ सही नहीं है। ए ह्यूमन स्पेसिमेंस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स हैव बीन प्रूव टू शो सेवरल इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर सिमिलर टू मॉडर्न पीपल। ले स्टडीज में तो आया है कि सिमिलर ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इवोल्यूशन की वजह से मीन इवोल्यूशन की वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। स्टडीज में तो आया है कि कंपेयर कर सकते हो, पुराने लोग सिमिलर हैं आज के लोगों से। तो ये मेरा आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, डी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सोसाइटीज इज अ कंसोलिडेटेड डिसिप्लिन। बेटा ये वीकेंड कैसे कर रहा है, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, डी इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, हाउ कैन दिस वीकेंड, सो डी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देयरफॉर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विश्रिका 350 वर्ड्स, इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, यस अभिनव श्रेया, दीज आर क्वेश्चन सीरीज, वील स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर लाइक इन 3-4 days। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसेज बैट्स को हम फ्राइटनिंग समझते हैं, वी सी बैट्स एज फ्राइटनिंग, डरावने समझते हैं, हमें लगता है बैट्स जो है डरावने हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ रात में ही एक्टिव होते हैं। ये पैसेज बोल रहा है, पैसेज ये बोल रहा है कि आप बैट्स को फ्राइटनिंग इसलिए समझते हो क्योंकि वो सिर्फ रात में एक्टिव होते हैं। इसको वीकेंड करो, कौन सा वीकेंड कर रहा है। अबे ये ए वीकेंड कैसे कर रहा है, ए उनकी फ्राइटनिंग इमेज जो है वो नाइट की वजह से इस चीज को वीकेंड कैसे कर रहा है। तो ए तो नहीं हो सकता, डी ना, डी करेक्ट है भाई, डी वीकेंड कर रहा है। हम बैट्स को फ्राइटनिंग क्यों समझते हैं, क्योंकि वो रात को निकलते हैं, पर बाकी जो जानवर रात को निकलते हैं उन्हें तो फ्राइटनिंग नहीं समझते। मतलब मेरी ये थ्योरी गलत है, दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी ना। व्हाट वाज माय थ्योरी, माय थ्योरी वाज बैट्स आर फ्राइटनिंग बिकॉज दे आर आउट एट नाइट, बट देर आर अदर एनिमल्स हु आर ऑल्सो एक्टिव एट नाइट बट दे आर नॉट फ्राइटेंड फ्राइटनिंग, सो माय थ्योरी इज रॉन्ग। भाई आपको यहाँ पे वीकेंड करना था, वीकेंड द क्लेम अगेन। व्हाट इज द क्लेम, द क्लेम इज कि बैट्स आर फ्राइटनिंग बिकॉज दे आर एक्टिव एट नाइट, नाइट इज द रीजन दैट, नाइट कॉज है, इफेक्ट है फ्राइटनिंग, फ्राइटेंड
लोग, तो डी इसको वीगन करेगा कि बाकी जानवर भी तो नाइट को एक्टिव होते हैं, उनसे तो डर नहीं लगता, तो ये आपकी थ्योरी गलत है, डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर जस्ट आंसर योर क्वेश्चन बेटा, इट्स नॉट द फर्स्ट लेक्चर, इट्स अ क्वेश्चन आंसर सीरीज, द फर्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट इन दिस वीक। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई एक्यूरेसी इन लॉन्ग पैसेजेस, सारांश, एंड मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिस 2 पैसेजेस पर डे एंड यू विल सी इन अ मंथ्स टाइम योर एक्यूरेसी विल ऑल्सो इंक्रीज। ऑल्सो स्पेसिफिकली सी वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू डू रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन, वीकनिंग क्वेश्चन, इन्फ्रेंस क्वेश्चन, एंड प्रैक्टिस देम मोर। अंडरस्टैंड वाई यू चोज द आंसर एज द आंसर एंड वॉट इज द रीजनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर, कि वाई द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, एंड ट्राई टू अप्लाई दैट लॉजिक द नेक्स्ट टाइम यू डू द क्वेश्चन एंड दैट देन इट विल इंक्रीज। शाय पे पैसेज थोड़ी था यशी, उनको डर किस चीज से लगता है, इस पे पैसेज था। प्रिंस उसके लिए आप पैसेज मीनिंग पे फोकस मत किया करो, पूरे सेंटेंस पे फोकस किया करो, तो आप सेंटेंस पढ़ के समझने लगोगे कि क्या मीनिंग होगा उस वर्ड का। बाकी आप इंग्लिश उस पे काम करो, है ना, वो कैप पे। मिस बा दिल्ली में, SLS नोएडा। अरे 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 श्रेया, ओके अच्छे कॉलेज एंट्रेंस वाले ही होते हैं मिसबा, फिर बाकी जो कॉलेजेस हैं आर नॉट गुड। एमिटी नो प्लेसमेंट्स, नो प्लेसमेंट्स मिसबा अगेन। ऑलराइट, थैंक यू। तो यशस्वी उसको आप एनालाइज करो, मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक क्लास ले रखी है मॉक एनालिसिस पे, वो देख लो, हाउ टू एनालाइज क्लैट मॉक, कृति भटनागर यूट्यूब पे सर्च करना, वो क्लास मिल जाएगी, तो वो देखना, ठीक है। ओके, काफी सारे लोगों के काफी सारे आंसर्स है यहाँ पे, बहुत डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी। द आंसर इज डी गाइस, डी इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स सी नाउ द व्हाई इज द आंसर डी। अलेक्जेंडर, द केमिकल वेस्ट डंप आउटसाइड आर टाउन शुड बी क्लीनड अप इमीडिएटली। हमारे शहर के बाहर कुछ लोगों ने केमिकल वेस्ट को डंप कर दिया है, उसको साफ होना चाहिए। क्यों? लेकिन एडमिटेडली इट विल बी वेरी कॉस्टली टू कन्वर्ट दैट साइड इन टू वुडलैंड, बट वी हैव अ प्रेसिंग ऑब्लिगेशन टू रिड्रेस द हार्म वी हैव डन टू लोकल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अलेक्जेंडर क्या बोल रहा है कि जो कचरा हमने बाहर फेंका है शहर के, उसको साफ करो, क्योंकि हमारा ऑब्लिगेशन है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की तरफ, और कॉस्टली होगा पर फॉरेस्ट को हमें साफ करना चाहिए। टेरेसा क्या बोल रही है कि नहीं, हमारे टाउन की प्रायोरिटी हेल्थ है, लोकल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं है, द प्रायोरिटी इज हेल्थ। सो इवन इफ पुटिंग द डंप देयर वॉज इन्वायरमेंटली डिजास्ट्रस, वी शुड नॉट स्पेंड आर रिसोर्सेज ऑन करेक्टिंग इट अनलेस इट प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट हेल्थ हजार्ड टू पीपल। तो जब तक वो हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तब तक हमें नहीं करना चाहिए, उस पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, और अगर वो पैसा कर रहा है हेल्थ को खराब, तो फिर हमें वो हटा देना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, अलेक्जेंडर साफ करने का रीजन, अलेक्जेंडर का साफ करने का रीजन है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट होगा वहां पे, जो कि खराब हो गया, वहां पे डंप कर दिया ना उन लोगों ने कचरा, और टेरेसा बोल रही है कि हेल्थ होना चाहिए रीजन, अगर लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है तो ही साफ करो वरना मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट एट इशू बिटवीन अलेक्जेंडर और टेरेसा, अलेक्जेंडर और टेरेसा के बीच की लड़ाई का मेन पॉइंट क्या है, क्यों लड़ रहे हैं वो दोनों। हर एनएलयू में स्कॉलरशिप नहीं होती रितेश,
whether the maintenance of a chemical waste dump inflicts significant damage on forest and wildfire. Teresa ka to ye point nahi hai beta. A point is not of Teresa. It is only Alexander's point. Therefore, A can't be the answer. We need to find the main point between Alexander and Teresa. Whether it is extremely costly, cost issue नहीं है. Alexander और Teresa का cost issue नहीं है. बेटा issue ये है कि Alexander wildlife को बचाना चाहता है और issue ये है कि Teresa health बचाना चाहती है. तो B can't be the answer. C, whether the public should be consulted. Public पे तो इन्होंने बात ही नहीं करी. तो C can't be the answer. D, whether the town has an obligation to redress damage to local forest and wildlife if that damage poses no significant health hazard to people. अगर health hazard नहीं है तो क्या हमें पैसा लगाना चाहिए, cost लगानी चाहिए उसे साफ करने के लिए. ये है ना point. This is why both of them are fighting. एक wildlife के लिए लड़ रहा है, एक health के लिए लड़ रहा है. तो इसमें wildlife वाला point भी आ गया, इसमें health वाला point भी आ गया. तो इसलिए D is absolutely correct. आप समझे बात को, इसलिए D is the correct answer. चलिए next question दोस्तों. You have to analyze your mock achievers. That is the only way to improve mock score. Christ Bangalore is good. Sai Krishna, I have a special class, free class on Unacademy app at 5 PM, which is a legal reasoning quiz on law of torts. So if you want to attend it, you can come in and attend it at 5 PM. Saransh, I understand. Hota hai aisa. To aap lambe passages ke bhi practice karo beta. कौन सी ईशा अभय, अगर आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो तो उसके लिए आप कंपेंडियम पढ़ सकते हो विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस के. और अगर स्टैटिक जीके की बात कर रहे हो तो लूसेंट जीके में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सॉल्व कर सकते हो. आरव, यस ऑफ कोर्स, दैट्स अ ड्रीम कॉलेज फॉर एवरीबॉडी. गुड आदित्य, वेरी गुड. Arihant, I have never studied, so I have no idea about that book. I don't really recommend that. There's no book which has all the concepts in any case. So, sufficient to nahi hi bolungi main. Haan Pradyuman, theek hai. Okay, काफी सारे लोग सी बोल रहे हैं. सी इज करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही जवाब. पैसेज क्या बोल रहा है कि एक एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव कमिटी है शॉपिंग मॉल की, उन्होंने ये बोला है कि नए ऑफिसर्स को ऐड किया जाएगा मॉल सिक्योरिटी फोर्स में ताकि वायलेंट क्राइम्स ना हो. मॉल सिक्योरिटी फोर्स में अभी 10 ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत कम है क्योंकि 44 आर्म्ड रॉबरीज वहाँ पे हो चुकी है लास्ट ईयर. लेकिन ये नॉर्दर्न पार्किंग लॉट में हुई है ये रॉबरीज, उसके बाद भी एडिशनल ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं जाएंगे. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो नए वाले हैं वो जाएंगे, तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश वाले नहीं जाएंगे. ये एक्सप्लेन कर रहा है. सी इज करेक्ट, आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों. सी बिल्कुल सही ऑप्शन है जो एक्सप्लेन कर पा रहे. मॉल शॉपर्स विल फील सेफर, तो ये एक्सप्लेन कैसे कर रहा है बेटा? बी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा ना, सी एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां पे पुराने वाले क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि नए वाले लोग जा रहे हैं. ठीक है,
देर इज नो स्पेसिफिक बुक फॉर दैट मसल, यू कैन रेफर एनी टेस्ट सीरीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आई डोंट आशीष एंड प्लीज डू नॉट कॉमेंट समथिंग लाइक दिस इन द क्लास. इट्स वेरी, इट शोज योर इंटेलेक्ट. सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ नहीं है वेदिका, कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन ऑफ द सिविल लॉ. देर इज ऑल्सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देर इज ऑल्सो मतलब क्रिमिनल को छोड़ के बाकी सब सिविल में ही फॉल करता है. फिर गाइस इसमें आंसर लिखा हुआ है, ऊप्स, मैंने अभी देखा. आप लोग क्या फिर भी गलत करते जा रहे हो. सी इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस. आई एम सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. तो सी बिल्कुल सही जवाब है. व्हाट इज द क्वेश्चन? कंट्री एक्स के जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें रिफॉर्म पार्टी जीत गई, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पोल्स्टर्स थे जब उन्होंने इन पर्सन इंटरव्यूज दिए थे वोटिंग से पहले, तो उन्होंने बोला था कि कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी, पर रिफॉर्म पार्टी जीत गई. लेकिन बाद में पोल्स्टर्स ने ये बोला कि कंजर्वेटिव पार्टी सपोर्टर्स की बजाय रिफॉर्म पार्टी सपोर्टर्स जो थे वो अपनी पार्टी प्रेफरेंस बता ही नहीं देते, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाया. तो अगर इन्होंने टेलीफोन इंटरव्यू किया होता इन पर्सन की जगह, तो हमें बेटर प्रोजेक्शंस मिल सकते थे. तो मुझे इसका इसको स्ट्रेंथन करना है कि हाँ ठीक है ये सही कह रहा है. तो पैसेज क्या बोल रहा है कि इन पर्सन इंटरव्यू हुआ इसलिए लोग झिझक गए, कैमरे पे बोल नहीं पाए. अगर टेलीफोन इंटरव्यू होता तो हम सही निकाल लेते क्या बोलते हैं रिजल्ट्स को. तो मुझे इसको और सपोर्ट करना है कि हाँ ये सही बोल रहा है. तो सी कि जो टेलीफोन पोल्स पे लोग इंटरव्यू किए तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वो किसको वोट करेंगे, वो सच आंसर बताते, सही आंसर बताते. तो सी इज करेक्ट ना, तब वही तो पैसेज भी बोल रहा है कि टेलीफोन वाले बताएंगे. यहाँ पे देयरफॉर सी इज करेक्ट. सॉरी सॉरी आशीष, सॉरी 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 आई अपोलोजाइज. ठीक है साई, यस यू कैन, यू हैव टू मेक श्योर यू रीड एवरी डे फॉर लाइक 80 to 90 minutes एंड ऑलवेज कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल. रीड सम बुक्स, यू विल बी गुड, डोंट वरी. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. नाउ वी एंड द क्लास हियर. आई होप आपका कोई डाउट वगैरह नहीं है. एंड अब मिलते हैं शाम को 5 बजे. थैंक यू सो मच. क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड नहीं नहीं अरे भाई रियलिटी में नहीं होता है ये, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है, क्वेश्चन पर्पजेस के लिए पूछा जा रहा है भाई. ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी. आपने क्लैट? नहीं, आई डिड जॉइन इन इंस्टीट्यूट टू स्टडी ऑफकोर्स, क्योंकि मैं थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन में अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि भाई मेरे को थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, थोड़ा क्लासेस वगैरह रहेंगी तो मैं ढंग से पढ़ूंगी. आज नहीं है, कल होएगी विषय का. मंडे टू फ्राइडे प्लस क्लासेस होती है, सैटरडे संडे आई गिव टू स्टूडेंट्स सो दैट वो अपना बैकलॉग कवर कर लें, मॉक्स दे लें.
यशी 3 4 दिन में विल स्टार्ट। असम्पशन रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से किसी बुक में नहीं आते बसिल, आपको मेक श्योर करना है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो तो उससे यू कैन। अच्छा आपको मॉक देना सही। क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेस विल, ये तो क्विजेस की क्लासेस है, 3 4 दिन में विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। ठीक है, टाइमिंग वही 12:30। विशिका बट यू हैव टू, अब क्या कर सकते हैं, या फिर आप मॉक प्रिंट करा लो। लव आई डोंट नो व्हाट टू से। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस अब नहीं आते। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई विल सी यू।